उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुबह सपा के बीच तकरार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक नया मामला सामने आया है जिसके बाद दोनों के बीच फिर से तकरार बढ़ रही है। दरअसल मंगलवार को सपा कार्यालय के बाहर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सपा दफ्तर के बाहर ओम प्रकाश राजभर अंदर आने पर प्रतिबंध का पोस्टर लगा दिख रहा है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पोस्टर समाजवादी युवजन सभा की तरफ से लगाया गया है। दरअसल दोनों ही पार्टियों का यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही दोनों का गठबंधन टूट गया। इस दौरान सुबह सपा प्रमुख ने अखिलेश यादव पर खुलकर जुबानी हमले किए थे, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच तकरार जारी है। हालांकि अभी ओपी राजभर सपा प्रमुख पर जुबानी हमले करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। हालांकि इसके बाद सुबह सपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें जोरों पर रही। सुबह सपा प्रमुख ने कई मौकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, जिसके बाद ये अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने 3 बार डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से भी मुलाकात की है, लेकिन अभी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।